बोलता था, लोगों की मेंटेलिटी बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल क्या चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपके पास हर दो महीने मैसेज आता है कि कोई भी सर्विस एक्टिवेट करने के लिए ये दवाइयाँ वो दवाएं, दिन में एक बार आया या महीने में एक बार आया, आपने उसको हटा दिया। आजकल जो लोग यूज़ कर रहे हैं इटली आई है, वो क्या करते हैं, दिन में 50 बार भेजते हैं। जरा आपको समझो, 50 बार भेजने का क्या फ़ायदा है? 50 बार भेजने का ये फ़ायदा है कि हो सकता है 49 बार आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया, आप बिजी थे, ठीक है, कुछ और काम कर रहे हो, कॉल को देख रहे हो, सडन मैसेज आपने टक से क्लिक कर दिया, काम हो गया, 15-20 रुपए चले गए। यही स्टॉकिंग का मतलब है, यही स्टॉकिंग का मतलब है। आए जा रहे हैं आप डिलीट कर रहे हो, आए जा रहे हैं। अलग अलग मेंटल लेवल के पर्सन होते हैं, हर की सोच अलग होती है। कोई सोचेगा बार बार तुम्हारे एक बार देख ही लूं, ठीक है, किसी से धोखे से हो गया, कोई सोचेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है यार बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट बड़े, मतलब आपने देखा है जितने भी आपको मेल मतलब वायरस के या कोई इन्फेक्शन के होंगे उनमें बड़ा कॉन्फिडेंशियल चीजें लिखी हुई थी, कैची, जो माइंड को कैची करती है, क्या यू वॉन्ट दैट, या फ्री आईफोन 6, ट्रिप टू कैनेडा, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो उसका एड्रेस है ना, वहां पे Cybercrime has been used to start a wide range of offenses including the against computer data systems such as hacking, computer related forgery, fraud, phishing and copyright. एक वर्ड है कि बात कर चुके हैं हैकिंग की, हम कर चुके हैं, फ्रॉड का बात कर चुके हैं, फिशिंग एक वर्ड जो है जैसे फिशिंग, किसी को पता फिशिंग क्या होता है, काफी फेमस वर्ड है, पता ही नहीं किसी को, जाली पेज बना के किसी बात, जाली पेज बना के, जाली वेबसाइट बनाना, जाली वेबसाइट या पेज, वेब पेज बनाना, दोबारा पूछ रहा हूँ, जाली पेज या जाली वेबसाइट, देखिए उन्होंने अकेले ने बोला पेज, मैंने दोबारा पूछा, सबने सोचा वेबसाइट होगी, सबने बोले वेबसाइट, वो सही बोले जाली पेज ही बनता है, बैठे पेज, जाली पेज बनाया जाता है। अब जाली पेज मतलब फेक पेज, ये क्या है? फिशिंग का मतलब है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आप नेट से अगर चेक करें गूगल पे फिशिंग की पिक्स चेक कीजिएगा, आपको ऐसी पिक्स मिलेगी, आप यहाँ खड़े हैं और कोई आदमी वहाँ अपना सामान इकट्ठा कर रहा है, आप वहाँ से नहीं चोरी कर रहे हैं जहाँ से वो इकट्ठा कर रहा है, आप वहाँ से चोरी कर रहे हैं जहाँ वो रख रहा है, समझो बात को, भाई मैं इधर मछली पकड़ रहा हूँ, इधर बकेट में मैंने मछलियाँ रखी हैं, तो सामने वाला यहाँ से मछलियाँ नहीं पकड़ रहा है, मेरे बकेट से पकड़ रहा है, बात समझ आ रही है, उस टोकरी में से पकड़ रहा है। मैंने एक लिंक बनाया, कैसे बनाना है वो अलग टेक्निकल मैटर बताएंगे, ठीक है, मैंने एक लिंक बनाया, फॉरवर्ड कर दिया आपको, उस पर लिख दिया मैंने कि ये मेरा फेसबुक का, अगर आपको हैकिंग के नए नए सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप इस फेसबुक मतलब अपना लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप हैकिंग कर सकते हैं, ठीक। आपने लिंक पर क्लिक किया, पेज खुला facebook.com, जैसा facebook.com जैसा एज इट इज, बिल्कुल सेम डिटो, देखो facebook.com नहीं है। जैसे ही आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर किया, वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा, यानी कहाँ भेज देगा, ओरिजिनल facebook.com पे, और वो पासवर्ड किसके पास आ गया, मेरे पास, ये जो भी हैकर है इसे बोलते हैं फिशिंग। अभी सबको पता लग गया फिशिंग क्या है, यस और नो, ओके। एक और ऑप्शन है नीचे, दैट इज कॉपीराइट ऑफेंसेस सच एज डिसेमिनेशन ऑफ पायरेटेड कंटेंट। इंडिया में वैसे इसका इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब जो ये साइबर क्राइम इंक्लूड होता है, यूएस में बहुत ज़्यादा पायरेसी के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप वहाँ पे पायरेटेड विंडोज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना 70 DVD दे दे यार, ठीक है ना, एक के पास है वो सबने यू नो लाइक डाल ली है या पैचअप है वो कर लिया है, तो पायरेसी का भी साइबर क्राइम में काफ़ी है, लेकिन इंडिया में इतना नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, हिस्ट्री अबाउट 1980s में स्टार्ट हुआ था, 1980s में क्या था, लोगों को डाटा की वैल्यू नहीं पता थी, अगर डाटा की तो नहीं दिक्कत है कि डाटा को चोरी कैसे करना है, डाटा कोई वो तो है नहीं, हाथ में लिखा है भाई साहब डाटा दे देना, थोड़ा सा हार्ड डिस्क है या पूरा कंप्यूटर है, वो लोग क्या करते थे, कंप्यूटर को ही तोड़ देते थे, मतलब पता लगा कि इसमें डाटा है तो पूरा सीपीयू उठा लिया, 80s में यहाँ तक थे, उसके बाद चीज़ें चेंज हुई, फाइनेंशियल क्राइम यूजिंग द पेनिट्रेशन टेस्ट एंड सब वर्जन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्रीज, 80s के बाद जब ग्रो हुआ तो साइबर क्राइम की नई मतलब एक नई लेवल पे आ गया, नई सतह पे आ गया, क्या अब लोगों को पता लगने लग गया कि इस कंप्यूटर को उठा के कोई फायदा नहीं है,
कंप्यूटर आपके पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है, आपके पास 50 GB कार्ड उसके मेरे पास था। पहले भी सी है, पहले अटैच फर्स्ट यू हैव टू अटैच, ये बात हमेशा चाहे वो आपकी फिजिकल सिक्योरिटी हो चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, बिफोर अटैक यू हैव टू अटैच। पंचवी अगर पढ़ता है तो पहले अटैच होता है फिर दर्द होता है। कभी भी हैक करने से पहले, अटैक करने से पहले आपको अटैच होना ही पड़ेगा, डेफिनेटली बिना अटैच के आप अटैक कर ही नहीं सकते। बात समझ आ रही है भाई? आप फेसबुक पे हो, आपकी मेल आईडी पे कुछ मेल भेजूंगा उससे आप अटैच हो, अगर मेल आईडी पर आपको फेसबुक पे कुछ भेजूंगा उससे आप अटैच हो, अटैच होना ही पड़ेगा। सेम काइंड ऑफ दैट, तो लोगों ने क्या डाटा को अटैच करना शुरू कर दिया कि अब हम उस डाटा के साथ कैसे अटैच हो जाए। अब पहले इंटरनेट पर इतना क्रेज नहीं था तो कैसे अटैच हो गया, जब इंटरनेट आ गया एक पूरा जाल हो गया तो हमें एक ऑप्शन मिल गया कि हाँ तू भी इंटरनेट चला रहा है, मैं भी चला रहा हूँ, दोनों यूजर एक 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 ये दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो मुझे इससे कनेक्टेड होने की अब इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, जिससे ये कनेक्टेड है आप हो जाओ। कुछ आ रही बात हमें इंटरनेट का क्या मीनिंग है, एक जो इंटरनेट वर्ड आप यूज करते हैं ना उसका यही मीनिंग है। अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे थे आप लोग ये सोचिए कि मैं सिर्फ इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वॉचिंग यू। मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स ओपन करने के बाद या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद जैसे आपको आईडी मिली, आप ये समझ लीजिए कि अब आप इंटरनेट वर्ल्ड में पैर रख चुके हैं। अब आपकी सिस्टम की आपके नाम की आइडेंटिटी नहीं है, एक आईपी एड्रेस है, एक एड्रेस है जिसके थ्रू आप सब कुछ कर रहे हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं और आपको दुनिया को देख रहे हैं, ठीक है। तो 80s के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हुई, वल्नरेबिलिटी निकालना शुरू होगा, टाइप ऑफ वल्नरेबल शुड बी ड्यूरिंग द 80s, एक रिकॉर्डिंग न्यू वल्नरेबिलिटीज डाइंग आउट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है और समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अच्छा कितनी आप यहाँ पे सब कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर सब यूज करते हैं, फोन तो डेफिनेटली करते हैं, एक आपने बड़ा आया विंडो फोन होते हैं, विंडो फोन आ गए क्या मतलब होता है, विंडो फोन आ गए टेक्नोलॉजी की बात करें, विंडो फोन क्या होता है, विंडो फोन सॉरी विंडोज का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। आपकी एक्सपी, आपकी विंडोज़, आपकी विंडोज 7, आपकी विंडोज 8, आपकी लिनक्स, आपकी यूनिक्स, आपकी नेट, जितनी भी हैं सब ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज हैं। तो क्या करना है कि अब अगर जैसे मैंने बात की कि किसी का डाटा चोरी करना है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, अब कुछ एक ऐसी चीज हो गई है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं क्या समझता हूँ एक ऐसी दीवार बना दी है, एक ऐसी चीज है जो हर किसी के घर में सेम यूज हो गई है। जैसे क्या है, आपका कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर है, 20 लोग के और कंप्यूटर है, सबके सब विंडो एक्सपी यूज कर रहे हैं, क्या कौन सी यूज कर रहे हैं, एक्सपी यूज कर रहे हैं, कमर्शियली या मोस्टली कॉर्पोरेट में आज विंडो एक्सपी यूज की जाती है, सर्विस पैक 2 हमेशा वो यूज किया जाता है, ठीक है, एसपी2 यूज होता है। एसपी2 की वल्नरेबिलिटीज अपनी है, कोई कमी आए वल्नरेबिलिटी क्या आपने बताया, कमी बताया ना, कुछ वीकनेस होती है, कमजोरी होती है। अब आप भी एक्सपी सर्विस पैक 2 यूज कर रहे हो, सब सर्विस पैक 2 ही यूज कर रहे हैं, तो मुझे 50 या 100 यूजर की एक वल्नरेबिलिटी निकालनी है बस। बात समझ आई, कुछ समझ आया ना क्या बताना चाहूँ, नहीं एक यूजर है वो एक्सपी सर्विस पैक 2 यूज कर रहे हैं, मुझे सर्विस पैक 2 की वल्नरेबिलिटी बता लेनी है, इस सर्विस पैक 2 के अंदर ये कमी है, उस विंडो को क्रैक करके इस मतलब यहाँ से एंट्री करके सिस्टम को हैक कर, एक कमी। अब जितने भी लोग सर्विस पैक 2 यूज कर रहे हैं सभी को बता सकते हैं एक वल्नरेबिलिटी, वो किसी यूजर की नहीं है, अब किसी एक आदमी की नहीं है, वो पूरी यस। तो हमने वल्नरेबिलिटीज को इस लेवल पे निकालना शुरू किया, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नहीं, एक के लिए नहीं, सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर से तो सब यूज करते हैं, मैं कुछ नाम देता हूँ जिनके आपने नाम से बताइए मुझे, आपके अडोब रीडर का नाम